आज मैं लेकर आई हूँ एक नए तरीके से अंडा कढ़ी। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अब अंडा कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कटी हुई एक मीडियम साइज का प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ अदरक, लास्ट में मैं लूँगी कटी हुई एक टमाटर। इसे हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल ऐड करूँगी। अब मैं लूँगी 1 छोटा चम्मच हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा और इसमें मैं लूँगी 2 लाल मिर्ची और लास्ट में मैं लूँगी तेजपत्ता। इसे अब मैं हल्का मैरून होने दूंगी और गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और प्याज का पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट ढक के रख दूंगी। आप इसे बीच बीच में चलाते रहिए। ये हमारा अच्छे से पेस्ट जो है तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला। ले रही हूँ मसाला। मसाला मैं ले रही हूँ नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर डालिए थोड़ा सा पानी जिससे कि मसाले अच्छे तरीके से पक जाए और इसे ढक के 2 से 3 मिनट पका लें। अब आपका जब तक मसाला पक रहा है तब तक अपने किचन की सफाई कर ले। अब देखिए हमारे जो मसाले अच्छे से पक गए हैं और मसालों में से तेल छूट रहा है, तो मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी। यहाँ पर मैं बॉयल होने तक वेट करूँगी। ये हमारे मसाले जो हैं बॉयल होने लगी है। अब मैं इसमें डालूँगी कच्चा अंडा। आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करके देखें। गैस का फ्लेम हाई ही रखें और तभी अंडों को फोड़ के इसमें डालें। यहाँ पर अंडे उबालने का भी टाइम जो है बचेगा और अंडे को छीलने का भी टाइम भी बचेगा और हमारा अंडा कढ़ी झटपट 5 मिनट में तैयार भी हो जाएगी। यहाँ पर मैं अपने अंडों को देख लेती हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर चलाकर देखें कहीं ये नीचे जो पकड़ नहीं रहा है। ये हमारे अंडे जो हैं पक रहे हैं अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है आप इसे एक बार चलाकर जरूर देखें कहीं ये अंडे जो हैं नीचे पकड़ नहीं रहे। ये हमारा अंडा कढ़ी तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।